नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनायक और आशा करता हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ होंगे। आपके बड़े बुज़ुर्ग और सबका ध्यान रखिए, इस टाइम पे कोरोना का टाइम चल रहा है। और अभी मैं फ़िलहाल चंडीगढ़ शहर के अंदर हूँ, बहुत ही खूबसूरत शहर है और शाम धीरे धीरे ढल रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे, दिन ढल रहा है और शाम हो रही है। और एक चीज़ मैं आपको जैसे दिखाना चाहूँगा, अभी यहाँ पर जो है हर एक घर के अंदर या फिर ज़्यादातर घरों के अंदर सोलर पैनल्स वगैरह लगे हुए हैं। और सोलर पैनल जो है वो आपको जो सूर्य से जो ऊर्जा है वो ले करके और उसको स्टोर करके और फिर उसके बाद में जो है हमको बिजली प्रदान करता है। बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत सुंदर नज़ारा है इस वक्त, बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी है। इस टाइम पे मौसम भी बहुत शानदार हो रहा है। यहाँ पे मेरा ये कहना है कि जैसे पर्यावरण को लेकर के यहाँ पे शहर के अंदर सजग है सरकार कि भाई आपको सोलर पैनल लगाने चाहिए, सोलर पैनल की ज़रूरत है, वैसे ही मेरे हिसाब से हर शहर के अंदर हम लोगों को खुद को जागरूक होना चाहिए और सोलर पैनल का और इन सब का जो है हमें यूज़ करना स्टार्ट करना चाहिए। एक बार को आप सब कहेंगे मुझे इसके अंदर कि हो सकता है लोग कमेंट करें या फिर कुछ भी कहें कि इसकी कीमत वगैरह जो है ज़्यादा पड़ती है, बट बात यह है कि कीमत जो ज़्यादा पड़ती है वो सारी कवर हो जाती है और पर्यावरण जो है वो सबसे पहले महत्वपूर्ण है। और बिजली वगैरह जो है उसके जाने के बाद में सोलर पैनल ही वर्क करते हैं और कुछ वर्क नहीं करता। और दूसरा, सौर ऊर्जा को सबसे अच्छा जो लेने का और यूज़ करने का जो तरीका है वो सोलर पैनल के थ्रू ही है, जिससे हम हमारी बिजली भी बचा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा संदेश जो है वो अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको आगे से आगे पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।